हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट, इट्स आवर 25 डे ऑफ स्पीकिंग। आज हमारा 25 डे है स्पीकिंग का, 25वां दिन है। और जैसा कि हमने स्टार्ट कर रखे हैं छोटे छोटे टॉपिक जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं, तो स्टूडेंट ऐसे ही दो छोटे छोटे से टॉपिक इस वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। और आज के हमारे टॉपिक हैं जो काफी ज्यादा यूज होते हैं हमारी डेली लाइफ में, और टॉपिक का नाम क्या है, क्वाइट और अबाउट, ठीक है। दोनों ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो क्वाइट का क्या मतलब है, जब हम कहते हैं ना सचमुच, ठीक है, सचमुच। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर क्वाइट कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, जैसे हम कहते हैं सचमुच, क्या सच में ऐसा है, निश्चय ही, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। तो इस तरह के जो भी वर्ड आएंगे आगे भी, मैं अभी एग्जांपल लूंगी तो वहां पे आप नोट करना कहाँ कहाँ पर इसको हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम अबाउट। अबाउट होता है किसी के बारे में पूछना कि इसके बारे में क्या ख्याल है, व्हाट अबाउट इट, ठीक है, या कैसा रहेगा अगर हम ऐसे कर लें तो कैसा रहेगा, आपका क्या ख्याल है इस बारे में, तो वो अबाउट का टॉपिक होता है। तो देखो स्टूडेंट सबसे पहले क्वाइट की बात करते हैं। तो देखो क्वाइट मैं हिंदी से पहले भी हिंदी में वाक्य लिखूंगी तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि कैसे यूज करना है। तो देखो वास्तव में वह सुंदर है, वास्तव में ही वह सुंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर वास्तव आ गया, ठीक है, सच में ही वह सुंदर है। तो यहाँ पर हम यूज किसका करेंगे, क्वाइट, ठीक है। वैसे हम लिखते हैं मैं वास्तव में, ऐसे लिखते ना वह सुंदर है, शी इज ब्यूटीफुल, ठीक है। तो बस शी इज ब्यूटीफुल लिखते हैं ना, शी इज ब्यूटीफुल। तो अगर वास्तव लगाना है तो इसके अंदर क्वाइट यूज कर देना बस, ठीक है। शी इज क्वाइट ब्यूटीफुल, बस और कुछ भी नहीं है, बीच में हमने इसको फिट कर देना है, ठीक है। वह वास्तव में बहुत इंटेलिजेंट है, वास्तव में बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ने में होशियार है, ठीक है। शी इज क्वाइट इंटेलिजेंट इन स्टडी, ठीक है। वह पढ़ने में, वास्तव में ही वह पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार है, ठीक है। देखने में ही बहुत भोली भाली है, ठीक है। वह बिल्कुल भोली है, वह बिल्कुल भोली है। तो इसमें क्या लिखेंगे, शी इज क्वाइट इनोसेंट, ठीक है, शी इज क्वाइट इनोसेंट। तो आई होप आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। जब हम कहते हैं ना वास्तव में बहुत होशियार है, वह वास्तव में इस काम को बड़ी तेजी से कर लेता है, ठीक है, तो क्या करेंगे, ही इज क्वाइट इंटेलिजेंट, ही इज क्वाइट ऑनेस्ट, वह वास्तव में बहुत ईमानदार है, ठीक है। तो सारे जो भी इस तरह के वाक्य आएंगे ना तो वहां पे आपने क्वाइट का यूज करना है, ठीक है। तो ये अच्छे से समझ आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं अबाउट वाला टॉपिक आपको टीच करूंगी। ले लिया, तो इरेज कर रही हूँ इसको। तो देखो स्टूडेंट अगला टॉपिक है हमारा अबाउट, ठीक है। अबाउट क्या होता है, क्या ख्याल है। वैसे तो हम अबाउट और भी कई जगह यूज करते हैं, लेकिन देखो यहाँ पर जो है मैं अबाउट, जिस अबाउट के बारे में पढ़ा रही हूँ वो हम इसके लिए यूज करेंगे, क्या ख्याल है, ये कैसा रहेगा, किस तरह से रहेगा। तो इस अबाउट के साथ जब भी आप कोई एक्शन करोगे उसके साथ आई एन जी लगाओगे, एक्शन मतलब जो भी आपकी वर्ब होगी तो वर्ब के साथ आपने आई एन जी यूज करना है। जहां भी अबाउट आएगा उसके साथ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के साथ में आई एन जी लगाना है, ठीक है। और भी अभी आएंगे, अभी आपने ये भी करना है अबाउट प्लस इफ वाले सेंटेंस में, अभी बताऊंगी, ये टॉपिक काफी लंबा है आपका। तो देखो अगर मैं सिंपली बोलती हूँ कि क्या आपका क्या ख्याल है मूवी देखी जाए, क्या ख्याल है मूवी देखी जाए, या मूवी देखी जाए कैसा रहेगा, ठीक है, क्या ख्याल है मूवी देखी जाए, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे हाउ अबाउट वॉचिंग, आई एन जी आएगा, मूवी, ठीक है। हाउ अबाउट वॉचिंग मूवी, उसके बारे क्या ख्याल है, वट अबाउट हिम। तो जब भी आपकी वर्ब आएगी तो आई एन जी लगाना है। अगर सिंपली आप पूछ रहे हो किसी के बारे में उसके बारे में क्या ख्याल है, तो आपने वहां सिंपली यहां पर ऑब्जेक्ट यूज करना है। एक और भी आती है स्टूडेंट, कैसा लगेगा, इसको हम कैसा लगेगा भी, कैसा रहेगा या कैसा लगेगा, ये तो देखो क्या ख्याल है उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। एक आता है हमारा कैसा रहेगा या कैसा लगेगा, तो वहां पर हमने किस तरह से इसको यूज करना है, देखो मैं यहाँ करके लिख के बता रही हूँ आपको, ध्यान से इसको नोट कर लेना। तो यहां लिखेंगे हम
हाउ अबाउट प्लस इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में एस और ई एस। ठीक है, इससे अब क्या बनेगा देखो मैं यहां लिख के दिखाती हूँ कैसा लगेगा यदि, बीच में यदि आ गया। ठीक है, यहां पर यदि नहीं था, यहां पर यदि आ गया, यदि आ गया इसलिए हमने इफ लगाया। ठीक है, कैसा रहेगा कैसा लगेगा यदि तुम्हें गाली दूं, अगर मैं तुम्हें गाली दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा। ठीक है, तो वहां पर हम ऐसे यूज करेंगे। तो देखो हाउ अबाउट कैसा लगेगा यदि मैं आपको थप्पड़ मारूं, कैसा लगेगा मैं आपको गाली दूं, कैसा लगेगा मैं आपको पढ़ाऊं। तो जो भी आपने वर्ड है यहां पर यूज करना है। तो कैसे यूज करना है देखो, हाउ अबाउट इफ सब्जेक्ट लगाना है, इफ आई, ठीक है, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, आई अब्यूज यू, ठीक है, बाद में आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, आई अब्यूज यू, कैसा रहेगा यदि मैं तुम्हें गाली दूं, कैसा रहेगा मैं आपको थप्पड़ मारूं। ठीक है, तो इस तरह से आपने इन दोनों को यूज करके स्टूडेंट अबाउट के बारे में सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, मैं कल उसके घर गया था तो मुझे लगा, ठीक है, मुझे लगा, उसके सेंटेंस भी करेंगे हम अगले वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर अबाउट जो है वो काफी जगह यूज होता है। ठीक है, मेरा ख्याल है, ठीक है, व्हाट अबाउट यू, तो आई थिंक, वहां पर हम इसका आंसर कैसे देंगे, आई थिंक, मेरा ख्याल है। ठीक है, तो व्हाट अबाउट यू, उसके बारे में क्या ख्याल है, व्हाट अबाउट स्टडी, स्टडी के बारे में क्या विचार है। ठीक है, तो यहाँ पर विचार के लिए भी हम अबाउट का यूज करते हैं, विचार के लिए, व्हाट अबाउट स्टडी, स्टडी के बारे में क्या ख्याल है, व्हाट अबाउट मैरिज, मैरिज के बारे में क्या विचार है, क्या ख्याल है, बात एक ही है, क्या विचार है, क्या ख्याल है। ठीक है, तो वहां हम जस्ट सिंपली ऐसे लिखेंगे व्हाट, बीच में अबाउट, जो भी आपने लगाना है, जो भी आप पूछना चाहते हो, जो भी आपका एक्शन है वो यहाँ पर यूज करना है। व्हाट अबाउट स्टडी, व्हाट अबाउट बिजनेस, ठीक है, बिजनेस का क्या हाल चाल है, व्हाट अबाउट बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अबाउट का यूज करना है। तो आज के हमारे ये दो छोटे छोटे से टॉपिक थे, क्वाइट और अबाउट। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आते होंगे। ठीक है, तो अगले जो लेक्चर में हम अगला एक टॉपिक लेके आएंगे, तब तक इसको अच्छे से ट्राई करना, और डेली लाइफ में जो भी इस तरह के सेंटेंसेस, जो भी इस तरह के वाक्य जो है यूज होते हैं उनको आपने नोट करना है। ठीक है, और साथ साथ स्पीक करना शुरू कर दो स्टूडेंट। आई होप अब तो आपको स्पीकिंग आ चुकी होगी, आपने टेंस कर लिए, प्रेपोजिशंस कर लिए, और छोटे छोटे से टॉपिक भी मैंने बहुत सारे आपको करवा दिए हैं। अब आपने क्या करना है, स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।